kids, welcome to your SST session, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys for Class 5 by Brainroot Publications. Children, in our last chapter we studied about the various rainforests, है ना. हमने बहुत सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, अमेज़ॉन के जंगलों के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा. अब ऐसे भी कई रीजन्स हैं जहाँ रेनफॉल होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है, राइट. जब हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ऐसे कई जोन्स पढ़े हैं जहाँ जो है बारिश प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती, ठीक है. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ऐसे ही जगह के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वी विल बी नोइंग अबाउट द डेजर्ट्स. सो लेट अस बिगिन चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक, जहां हम डेजर्ट्स यानी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, लेट्स गो थ्रू व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. वी विल नो अबाउट द क्लाइमेट दैट prevails in deserts. Next, we'll also know about the vegetation that is found in deserts. Then, wildlife, किस तरह के जीव जंतु मिलते हैं हमें इन जगहों पे. And last, how the people live in the desert regions. All right. So let's begin. But before that, let's identify some of the plants. These are certain pictures given, and we have to identify the plants that grow in the desert region. So the first is date, ठीक है, खजूर जिसे हम बोलते हैं. Next is cactus, है ना, ये cactus के पेड़ हैं. And last is this is babool, okay. These kinds of trees are found in the desert region because they require very less amount of water. इन्हें बहुत ही कम पानी ज़रूरी होता है. आइए पढ़ते हैं deserts के बारे में. Deserts are the driest place on the earth and sometimes go for months or even years without rains. यानी deserts, मरुस्थल, ये ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो है नहीं मिलता, ठीक है. बारिश यहाँ पे कई महीनों या कई सालों तक नहीं होती. Desert cover a large part of earth between 15 degree to 30 degree south of equator. That is, they are located mostly near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये जो deserts हैं ये usually equator से दूर होते हैं और Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के आसपास की जगहों पे मिलते हैं. ये दो categories में classify कर सकते हैं, मतलब deserts भी दो categories के होते हैं, hot deserts and cold deserts. हॉट डेजर्ट्स जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट्स जहाँ पे लैंड काफ़ी ठंडी और ड्राई रहेगी. क्लियर, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. सम ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, ये जो है आपका अफ्रीका में आता है और ये दोनों डेजर्ट्स बहुत ही फेमस है. इसके बाद द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, नाम से ही पता चलता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. एंड लास्ट इज़ द थार एंड द अरेबियन डेजर्ट्स इन एशिया, ठीक है, एशिया में थार डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट. थार जो इंडिया में भी पाया जाता है. सम कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अब कुछ कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं. द गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया में मिलता है, ठीक है. इसके अलावा द ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है, और अटकामा डेजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, ये कोल्ड डेजर्ट्स में से आते हैं. ऑल राइट, द सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, कवर्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ. यानी सहारा डेजर्ट वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट्स में भी आता है, और ये पूरे वर्ल्ड का लैंड मास जितना है उसका 8% कवर कर लेता है. किस तरह का क्लाइमेट रहता है यूजुअली डेजर्ट्स में? द डेजर्ट्स कवर्ड 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ.
They are characterized by arid climatic conditions. The temperature variations between the day and night are extreme. Deserts में जो temperature है वो they keep on changing from day to night. यानी दिन में जितनी गर्मी होगी रात में उतनी ही ठंड होगी. All right? ये arid regions हैं इसीलिए यहाँ पे extreme temperature होता है. दिन में temperature as high as 50 degree यानी 50 degree तक तापमान बढ़ जाता है और रात में यही टेम्परेचर क्या करेगा फॉल डाउन करेगा यानी नीचे चला जाएगा एज लो एज 10 डिग्री सेल्सियस तक यानी बहुत ठंड हो जाती है. द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द लैक ऑफ ह्यूमिडिटी क्योंकि यहाँ का जो वातावरण होता है या एयर होता है वहाँ पे मॉइस्चर की कमी है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम रहता है. द डेजर्ट्स गेट हीटेड वेरी फास्ट मेकिंग डेज अनबियरेबली हॉट. डेजर्ट्स क्या करते हैं बहुत जो है दिन के तरफ इनका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब टेम्परेचर इतना हाई राइज हो जाता है कि ये यूजुअली लोग यहाँ पे सह नहीं पाते इतनी ज़्यादा गर्मी को. ठीक है यहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. उसके ऑपोजिट डेजर्ट बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है डेजर्ट अपने आप जो है ठंडा भी होना शुरू हो जाता है और जो रात है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि लोग कांपने लगते हैं. इट्स क्वाइट चिली ओवर देयर. ऑलराइट सो नाइट्स बिकम चिली हियर. क्लियर. अब किस तरीके का वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है. द डेजर्ट्स प्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज फॉर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ टू सर्वाइव. और क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है और वेदर में इतना ज़्यादा वेरिएशन और फ्लक्चुएशन है इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु या पशु पक्षी नहीं मिल पाते. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द डेजर्ट रीजन प्लांट्स हैव अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट. कुछ ऐसे कम लेकिन कुछ ही प्लांट्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को अडैप्ट कर लिया है डेजर्ट रीजन के अकॉर्डिंग. दे हैव अंडरगॉन सर्टन स्पेसिफिक अडॉप्टेशन और बॉडी स्पेसिफिकेशंस ताकि ये कम से कम पानी में और इतनी गर्म एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर जाए. ऑलराइट दे मोस्टली हैव लॉन्ग रूट्स दैट अलाउ देम टू ट्रैप द मॉइस्चर फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ. और यहाँ जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे मिलते हैं इन पेड़ पौधों के रूट्स जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं और वो धरती के अंदर बहुत दूर तक जाते हैं ताकि वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल से ये पानी जो है सक कर सके. क्लियर. दे स्टोर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. और ये अपने अंदर जो है वाटर को काफ़ी कई दिनों तक स्टोर करके रख लेते हैं. द प्लांट्स आर फाइब्रस एंड हैव लॉन्ग थॉर्न्स वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में चेंज हो जाती हैं यानी इनमें ज़्यादातर कांटे मिलेंगे आपको लीव्स की जगह और साथ ही में इनका जो स्टेम है वो भी काफ़ी वैक्सी होता है ताकि उसके अंदर से पानी जो है एक्सेसिव वे में ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस में ना चला जाए. एकेशिया ट्री इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. द बुआब ट्री ऑल्सो नोन एज द बॉटल ट्री ऑल्सो इज फाउंड इन कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका एंड इन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. अब एक इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं. स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन डेजर्ट्स हैविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक और पॉन्ड आर कॉल्ड ओएसिस. क्या होता है बेटा रेगिस्तान में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा एरिया काफ़ी भरा भरा होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत या तो झरना होगा या किसी तरह के तालाब होगा जिसकी वजह से उस छोटे से एरिया में थोड़ा बहुत वेजिटेशन उग जाता है. ऐसी जगह डेजर्ट में जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी है और थोड़े बहुत वेजिटेशन उग रहा है यानी हरा भरा है जो जगह उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम ओएसिस बोलते हैं. क्लियर. वाइल्ड लाइफ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्राई एरिया है पानी की कमी है फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर है इसीलिए यहाँ तरह तरह के एनिमल्स नहीं मिल पाते. तो पता करते हैं कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. द कैमल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट. यहाँ पे ऊँट बहुत आसानी से देखने के लिए मिलता है और वो ट्रैवलिंग करने के लिए यूज़ होता है. एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ट्रैवल करना है तो कैमल्स यूज़ किए जाते हैं. They were first domesticated by people many thousands of years ago. In the deserts, camels usually live in small groups. Camels जो है छोटे छोटे groups में रहते हैं. This is the picture. See, the camel is quite comfortably surviving in the desert. All right.
Camels have long shaggy winter coats in summer to keep themselves cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. अगर कोई ऊँट प्यासा है तो वो 30 गैलन ऑफ वाटर पी जाएगा. और ये जो पानी है ये यूजुअली कहाँ स्टोर हो जाता है, ये उसके हम्प में, ये जो दिख रहा है ऊंचा पार्ट है जो, दिस इज़ द हम्प ऑफ द कैमल. यूजुअली वाटर जो है यहाँ स्टोर कर लिया जाता है इस हम्प पे, ठीक है. और बाद में जब कैमल को ज़रूरत पड़ती है तब उसकी बॉडी इस वाटर को यूज़ करती है. ऑल राइट, इट कैन मॉडरेट इट्स बॉडी टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस. वो अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि वाटर लॉस को वो बचा सकें या वाटर को कंजर्व कर सकें. लाइक कैमल्स, अदर डेजर्ट एनिमल्स टू हैव अडेप्टेड डेमसेल्व टू द एनवायरमेंट. दे कम आउट फॉर फूड एट नाइट टू एस्केप द हीट. ऐसे छोटे छोटे और भी इंसेक्ट्स या जानवर हैं जो डेजर्ट लाइफ के साथ तालमेल बिठा चुके हैं. और ये जो लोग हैं ये बेसिकली, मतलब ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या ये जो बेसिकली जानवर हैं, ये रात को बाहर आते हैं खाना ढूंढने के लिए. दिन में इतनी गर्मी होती है, यूजुअली ये मिट्टी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं. ऑलराइट, लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन इन डेजर्ट इज स्पार्स, यानी लोगों का डेजर्ट्स पर रहना कम है. बहुत ज़्यादा लोग एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज डेजर्ट्स में नहीं रहते, डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन रहती है. मोस्टली नोमैडिक ट्राइब्स लाइक बेडुइंस ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड द ट्यूरेग्स ऑफ वेस्टर्न सहारा लिव इन डेजर्ट. ठीक है, अब देखो हर डेजर्ट में ना नोमैडिक ग्रुप्स रहते हैं. नोमैडिक ग्रुप्स मीन्स द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हु डू नॉट हैव अ परमानेंट रेसिडेंट. बंजारों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं ये लोग, ठीक है. अब अलग अलग एरियाज के डेजर्ट्स के लोगों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्थ अफ्रीका के नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको हम बेडुइंस बोलते हैं, ठीक है. इसी तरह जो लोग वेस्टर्न सहारा में रहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न सहारा में जो लोग रहते हैं उनको हम टुआरेग्स बोलते हैं, ठीक है. ये दोनों ही ग्रुप्स ऑफ नोमैडिक पीपल हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं. दीज ट्राइब्स मूव इन सर्च ऑफ ओएसिस वेयर दे कैन गेट फ्रेश वाटर. ये लोग ओएसिस की खोज में भटकते रहते हैं जहां उन्हें फ्रेश पानी मिल सके. द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द डेजर्ट एरियाज इंक्लूड ट्रेडिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड एनिमल रियरिंग. जो लोग डेजर्ट के आसपास रहते हैं वो ट्रेड यानी व्यापार करते हैं, फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं. पीपल लिविंग इन द डेजर्ट्स डोमेस्टिकेट शीप, गोट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स. कैमल्स तो ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक डेजर्ट ट्राइब के पास आपको कैमल्स ज़रूर ही मिलेंगे. द इनहेबिटेंट्स ऑफ डेजर्ट आर ऑफन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड पास्चर फॉर देयर लाइफ स्टॉक. अब ये जो लोग हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब रेसिडेंट्स, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो खाने के लिए, पानी के लिए और घास के लिए, ताकि उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उस घास को खा सके, इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है भटकते रहते हैं. ओके, डेजर्ट्स आर ऑल्सो स्टोर हाउस फॉर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस. यहाँ पे आपको ऑयल और नेचुरल गैस भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलता है. मैनी डेजर्ट नेशंस लाइक कुवैत, इराक, ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव मेड गुड यूज़ ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बरीड अंडर द सैंड. जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमें धरती के अंदर से मिलता है, जो सैंड के अंदर डीप में दबा हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट करके ये लोग काम करते हैं, ठीक है. So, with this, we come to an end of the chapter. Let's study about the important terms that we come across in this chapter. First one is desert, a large, extremely dry area of land with sparse vegetation. एक ऐसा बड़ा सा लैंड का एरिया जो काफ़ी ड्राई है, एरिड है और जहाँ पे वेजिटेशन सिर्फ नाम मात्र है, है ही नहीं. Humidity, humidity is the concentration of water vapor present in the air, यानी हवा में कितना भाप है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है.
स्पार्स मीन्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी चीज़ का होना. स्टोर हाउसेज मीन्स अ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप भविष्य में यूज करने के लिए चीज़ों को कलेक्ट करके जमा करके रखते हैं. ऑलराइट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स लुक ओवर वंस. द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन हॉट डेजर्ट. टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है हॉट डेजर्ट में. डेजर्ट्स रिसीव्स कैंटी रेनफॉल. डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा कम या मिनिमम रेनफॉल मिलती है. द डेजर्ट्स एनिमल कम आउट फॉर फूड एट नाइट एंड एस्केप फ्रॉम द हीट. जो डेजर्ट एनिमल्स है वो रात को अपना खाना ढूंढते हैं ताकि दिन में वो गर्मी से खुद को बचा सके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेजर्ट्स इज वेरी लेस, यानी लोग जो हैं डेजर्ट्स में बहुत कम तादाद में रहते हैं. सब नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन डेजर्ट. सिर्फ कुछ नोमैडिक ट्राइब्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे भटकती रहती है यही डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. अब एक्सरसाइजेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. The Sahara Desert is an example of temperature desert, hot desert, cold desert or equatorial desert. So, it is an example of hot desert. The Baobab trees is found in Thar Desert, Syrian Desert, Gobi Desert, Kalahari Desert. तो जो Baobab tree है वो आपको जो है mostly Thar Kalahari Desert में मिलेगा. ठीक है, Kalahari Desert में मिलेगा. इसके अलावा Dash have long shaggy winter coats in summer to keep themselves cool. So the right answer is camel. Camels का एक shaggy coat रहता है जो कि उनको summers में cool रखता है. Third, a thirsty camel can drink as much as dash gallons of water, 30 gallons of water. See, 35 and 20. So the correct answer is 30 gallons of water. ठीक है. Fifth one, dash are the storehouse of important minerals. Forest, mountain, desert, oasis. So deserts are the storehouse of important minerals. यहाँ पे हमें petroleum और natural gas जैसे important minerals देखने के लिए मिलते हैं. Alright children? So let's proceed further. Now we have fill in the blanks. So let's do them one by one. एक एक करके इनको करते हैं. फर्स्ट वन, डेजर्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में हम डेजर्ट्स को बांट सकते हैं. दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. सो वी विल राइट हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. क्लियर. द डेजर्ट्स कवर डैश पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ. सो वन फिफ्थ है ना, अर्थ के टोटल लैंड को अगर हम बांट दें तो फिर अगर अर्थ का जो टोटल लैंड मास है उसको पांच हिस्सों में बांट दें तो एक पूरा हिस्सा जो है डेजर्ट सी कवर कर लेता है. थर्ड वन, द डैश इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट. डेजर्ट में हम किस एनिमल के थ्रू ट्रैवल करते हैं? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कैमल्स. सो ऊंट यानी कैमल्स. It helps us to travel easily in the desert. Fourth, human population in desert is sparse. Okay? Yani, bahut zyada kam hai. Clear? Deserts are also storehouses. Theek hai? Deserts are also storehouses. Or storehouses for किसके लिए? मिनरल्स के लिए. ठीक है, डेजर्ट्स में तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई डेजर्ट्स आर स्टोर हाउसेस फॉर मिनरल्स. क्लियर. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स डू देम वन बाय वन. द सहारा डेजर्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. येस, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, सेकेंड, डेजर्ट्स गेट हीटेड वेरी स्लोली. नो, दिस इज फॉल्स. डेजर्ट्स बहुत जल्दी गर्म होते हैं तो ये गलत है, दिस इज फॉल्स. थर्ड, द कैमल्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट.
true. And last, the desert is a small area, extremely fertile. No, यहाँ पे fertile word गलत है. Deserts बिल्कुल fertile नहीं होते, क्योंकि अगर fertile होते तो फिर यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे उतने उग ही नहीं सकते. कुछ एक या दो वैरायटी के पेड़ पौधे ही उग पाते हैं, वो भी कटीली झाड़ियाँ. तो दैट इज़ वाई दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स. विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज चैप्टर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेजर्ट वेल. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट्स क्या हैं और किस तरीके से ये भी हमारी अर्थ का एक अभिन्न हिस्सा है. डेजर्ट्स भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके का लाइफस्टाइल है, ये हमने आज सीखा. ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन चिल्ड्रन. आई विल मीट यू सून अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज, वेयर we will come to know about something more interesting. We will know about some other interesting relief feature of earth. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.